हेलो, मूड अच्छा है मेरा आज? वीडियो लाइक मार दो। नमस्कार, आज वाह फैक्ट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरी बात ध्यान से सुन लो। अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो हुए तो तुरंत के तुरंत से लाइक मार दिया करो यार, ऐसे ना करता है। और बहुत ज्यादा जरूरत है तुम्हारे लाइक की, और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। अजब गजब सी इस दुनिया के कुछ अजब गजब फैक्ट्स लेकर एक बार फिर से हाजिर हैं। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे पुराना होटल कितना पुराना है तो शायद आप 100 या 200 साल गैस करेंगे ना। लेकिन आपको जानकर हैरानी हो जाएगी भैया कि जापान के अकाशी माउंटेन्स के पास स्थित निशियामा ओनसेन होटल दुनिया का सबसे पुराना होटल होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड रखता है। ये होटल 100 नहीं, 200 नहीं, 1300 साल पुराना है, 1300 ईयर्स, और ये अब तक 52 पीढ़ियों के हाथ में रह चुका है। आजकल हर कोई इंटरनेट का इस्तेमाल करता है और आमतौर पर इंटरनेट स्मूथली चलता रहता है, मतलब बढ़िया तरीके से चलता रहता है। एक दिन ऐसा भी आया था जब इंटरनेट के 3 बड़े जाइंट गूगल, ट्विटर और विकिपीडिया एक ही दिन में क्रैश हो गए थे, तीनों के तीनों। क्या हुआ था भैया ऐसा? वो दिन था 25 जून 2009। उस दिन पॉप किंग माइकल जैक्सन की डेथ हो गई थी और पूरी दुनिया उनके बारे में जानने के लिए बेताब थी, जिस कारण से ऐसा हुआ था। माइकल जैक्सन के इतने सारे फैन थे ना, इतने सारे फैन थे कि जब वो गाते थे तो चक्कर खा के स्टेज के बाहर लोग उनका गाना सुनकर गिर जाते थे। ओलंपिक गेम्स आते ही सभी की दिलचस्पी खेलों में बढ़ जाती है, पैसे भी बढ़ी रहती है, खेल तो चाहिए चाहिए। लेकिन शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि बहुत पहले ओलंपिक में ऐसे गेम्स होते थे जिन पर यकीन करना बिल्कुल मुश्किल है। जी हाँ, पहले इन खेलों में जिंदा कबूतरों पर निशाना लगाया जाता था, टग ऑफ वॉर, घोड़ों की लॉन्ग जंप, पानी में गहराई तक कूदने जैसी कई गेम्स थे जिनमें आप गोल्ड मेडल जीत सकते थे। लेकिन क्योंकि ये खतरनाक थे, धीरे धीरे खत्म हो गए। दोस्तों, वैसे तो पिज्जा की डिलीवरी फ्री होती है आजकल, है ना, लेकिन साल 2001 में हुई एक पिज्जा डिलीवरी के लिए कुछ 100,000 या लाख नहीं, पूरे 7 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े थे। दरअसल ये स्पेशल पैन पिज्जा एस्ट्रोनॉट यूरी उसाचेव की डिमांड पर रीसप्लाई रॉकेट द्वारा इंटरनेशनल स्पेस सेंटर भेजा गया था। पिज्जा स्पेस में, हमसे बढ़िया तो पिज्जा ही निकला यार। पिज्जा हट ने 6 इंच के इस पिज्जा को तैयार किया था और स्पेस में डिलीवरी करने वाला पहला रेस्टोरेंट बन गया था। दोस्तों, आपने कंप्यूटर वायरस के बारे में तो सुना ही होगा, वायरस के बारे में तो आजकल कुछ ज्यादा ही सुन रहे होंगे आप। ये दरअसल किसी कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखी गई एक प्रोग्रामिंग होती है, मतलब कि ये अपने आप ऐसा खेल कर देता है कंप्यूटर में जाके जो नहीं करना चाहिए। क्या आपको पता है कि दुनिया के सबसे पहले कंप्यूटर वायरस का नाम क्या था? उसका नाम था क्रीपर वायरस, जिसे 1971 में बॉब थॉमस ने डेवलप किया था। कंप्यूटर वायरस से जुड़ा एक और रोचक तथ्य ये है कि ज्यादातर वायरस डेवलपर 14 से 25 साल की उम्र के मेल होते हैं। लौंडे बहुत हरामी होते हैं, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। आज तक बहुत कम फीमेल्स हैं जिन्होंने वायरस को डेवलप किया है। यार, वायरस तो डेवलप नहीं करती है, लेकिन ये ह्यूमन वायरस डेवलप करती है, मतलब दिमागी वायरस ये पैदा करती है। अगर मतलब चढ़ गया तो समझ लो कि करप्ट हो जाएगा पूरा सिस्टम। देखा है मैंने भाई साहब, KFC यानी केंटकी फ्राइड चिकन के बारे में आप जरूर जानते होंगे, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 1974 में KFC द्वारा जापान में चलाया गया एक मार्केटिंग कैंपेन इतना कामयाब रहा कि आज तक उसकी वजह से क्रिसमस के दौरान KFC की सेल बढ़ जाती है। दरअसल उस समय KFC ने केंटकी फॉर क्रिसमस कैंपेन चलाया था, जिसमें लोगों को डिनर में क्रिसमस चिकन खाने को मोटिवेट किया गया था, और आज भी बहुत से जापानी घरों में क्रिसमस के दिन KFC से चिकन मंगाकर डिनर किया जाता है, मतलब सेट कर दिया। जैसे देखा नहीं कि आजकल कोको कोला का एड आता है कि मतलब खाना खाते हैं तो खाना खाते के साथ वो ना रख लेते हैं, और कुछ महान बेवकूफ लोग ऐसे भी हैं कि खाना खाते हैं, मतलब वो कुछ नान वान खाते हैं उसके साथ ही उसे रख लेते हैं, उन्हें पता नहीं कितना नुकसान करता है। यूं तो हम लाइफ के ज्यादातर बड़े बड़े इवेंट्स को याद रखते हैं, लेकिन मनोवैज्ञानिक यानी कि साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि हमारी शार्पेस्ट मेमोरीज हमारे अर्ली एडल्टहुड की होती हैं, मतलब कि जब हम नए नए जवान होते हैं। हमें अपने टीन्स और ट्वेंटीज की लाइफ इवेंट्स जितना क्लियरली याद रहते हैं, उतना किसी और वक्त के नहीं रहते हैं, क्योंकि ये समय हमारी आइडेंटिटी और लाइफ स्टोरी को शेप करने में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस फिनोमेना को द रिमिनिसेंस बम्प भी कहते हैं। मुझे बिल्कुल नहीं बोला जा रहा ये वर्ड। सड़कों पर चलते वक्त आप ट्रैफिक सिग्नल का ध्यान जरूर देते होंगे, रेड पर रुकना है, येलो पर रेडी होना है और ग्रीन पर चलना है। लेकिन क्या कभी ऐसा होता है कि आपको रेड और येलो लाइट तो दिखे लेकिन ग्रीन गायब हो जाए? जी हाँ, जापान की ट्रैफिक लाइट्स में आपको ग्रीन लाइट की जगह ब्लू लाइट दिखाई देगी,
दरअसल सैकड़ों साल पहले जापानी भाषा में सिर्फ ब्लैक, व्हाइट, रेड और ब्लू कलर के लिए ही नाम होते थे, और ग्रीन के लिए भी लोग ब्लू ही बोलते थे। इसलिए वहां पर ग्रीन क्योंकि बोल नहीं सकते थे तो वहां पर ब्लू लगा दी और उसी ने उसकी जगह ले ली। आपको ये तो जरूर पता होगा कि जुपिटर सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है, लेकिन क्या आपको अंदाजा भी कितना बड़ा है? यदि अगर आप सभी प्लैनेट्स को मिला दें तो भी जुपिटर अकेले उनका दोगुना है। हद है यार। अगर सिर्फ पृथ्वी से कंपेयर करें तो यदि पृथ्वी अंगूर का एक दाना है तो जुपिटर एक बास्केटबॉल है। लगा लो यार, इतने से ग्रह पर हम तमाम तरह की बातें करते रहते हैं। मैं उसको मार दूंगा, वो मैं उससे नाराज हूँ, वो मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उससे नफरत करता हूँ, ये जमीन मुझे चाहिए, पैसा इतना चाहिए। यार छोटी सी जिंदगी है, छोटी सी पृथ्वी है, आयो मजे लो, जाओ यार। वाह फैक्ट्स को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और क्या करना है जिंदगी में यार। नमस्कार।